20 जून 2021। जी हाँ, दिल्ली में लॉकडाउन खुल चुका था और हमने प्लान किया कि चलो ऋषिकेश चलते हैं बंजी जंपिंग या रिवर राफ्टिंग के लिए। लेकिन वहाँ जाके मालूम हुआ कि सब कुछ बंद है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी लॉकडाउन था दोस्तों। दिस इज़ मी। उसके बाद हमने सोचा कि चलो नीर वाटरफॉल चलते हैं, और लकीली नीर वाटरफॉल पर जाना अलाउड था। काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद हमें अलाउ किया गया नीर वाटरफॉल जाना। और आप देखिए इतना शानदार है नीर वाटरफॉल। और शाम का समय था, हम नहाने ही वाले थे, लेकिन तभी बारिश शुरू। इंद्र देवता नाराज़। और बारिश के बाद तो पूछिए मत, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए वहीं फंस गए हम। एक मैगी पॉइंट था, उसी के स्टॉल में खड़े रहे, और अगले मॉर्निंग हमने फिर से नीर वाटरफॉल जाने का प्लान बनाया। सबसे पहले लक्ष्मण झूला पर मॉर्निंग वॉक की, और ये वॉक काफ़ी आनंददायक और शांतिदायक थी, क्योंकि कोई भी सुबह लक्ष्मण झूला पर नहीं था। जैसा कि मैंने बताया, उत्तराखंड में पूरी तरह से लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग वहाँ पर नहीं थे। गंगा नदी का घाट बिल्कुल खाली था, जहाँ पर हम आनंद से बैठ के घंटों गंगा नदी की पवित्र लहरों को देख सकते थे, ऋषिकेश की सुंदरता को देख सकते थे और हरे भरे पहाड़ों को देख सकते थे। उसके बाद कुछ देर के लिए मैंने मेडिटेशन किया, और फिर हम फिर से निकल गए सुबह सुबह नीर वाटरफॉल के। दोस्तों ये हम आ गए हैं नीर वाटरफॉल ट्रैक पर। पर्वतों का नज़ारा तो काफ़ी सुंदर था दोस्तों, लेकिन जो नज़ारा हमने नीर वाटरफॉल पर देखा, वो देख के हम चौंक गए, क्योंकि जिस पानी को इकट्ठा करने के लिए पत्थर लगाए गए थे, बारिश की वजह से वो सब बह गए थे। अब पानी रुक नहीं रहा था, और इसके अलावा जो पानी था वाटरफॉल का, वो मडी हो गया था, यानी उसमें कीचड़ भी मिक्स हो गई थी, इसलिए पानी फिर से गंद आने लगा था। यानी पिछली शाम ये पानी क्रिस्टल क्लियर था, बिल्कुल साफ पानी था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। और अच्छे साफ पानी की तलाश में हमने शुरुआत की ट्रैकिंग करने की, क्योंकि कुछ लोगों को उम्मीद थी कि ऊपर का पानी साफ हो सकता है। हम ऊपर चलते रहे, हमें सेकंड नंबर पर ये वाटरफॉल मिला। आप देख पा रहे हैं ये वाटरफॉल भी काफ़ी शानदार था, लेकिन क्योंकि पानी काफ़ी मड़ी था, तो हमने सोचा चलो चलते हैं ऊपर और देखते हैं, हो सकता है ऊपर वाले वाटरफॉल का पानी ज़्यादा साफ हो नहाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ट्रैकिंग काफ़ी ख़तरनाक थी, डेंजरस थी, और अगर आप बच्चे लेके जाते हैं साथ में, फैमिली को लेके जाते हैं, तो कोशिश करें छोटे बच्चों को साथ में ना ले जाए जब आप ऊपर वाले वाटरफॉल की तरफ जाते हैं। और फाइनली हमें ये वाटरफॉल मिला, तीसरे नंबर का वाटरफॉल, जहाँ पर कुछ लोग नहा रहे थे। और फिर पता नहीं क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि चलो ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके देखते हैं कि इस पहाड़ पर ऊपर क्या है, क्या कोई विलेज है या कोई दूसरा झरना भी है। और उसी की तलाश में हम आगे की तरफ बढ़ चले। हालांकि रास्ता काफ़ी थकाने वाला था और काफ़ी डिफिकल्ट भी था, बट वी डिड नॉट गिव अप। दोस्तों ये आ गए हैं हम नीर वाटरफॉल के सबसे ऊपर वाले झरने के पास, सबसे ऊपर जो वाटरफॉल हैं, लेकिन अभी लगभग 500 मीटर और चलना है, पर इस तक हम पहुंचेंगे अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। चलिए, बाकी काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करने में, काफ़ी थकान भी हो रही है, पर वी विल नॉट गिव अप। दोस्तों इस तरह का रास्ता है, काफ़ी पथरीला, फिसलने का भी डर, लेकिन सावधानी चलेंगे मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और लगता है फाइनली हमें साफ पानी मिल गया है काफ़ी ऊंचाई पर आने के बाद। पहाड़ के ऊपर जाकर हमें वाटरफॉल तो नहीं मिला दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये एक झील जैसी कुछ चीज़ थी, और यहाँ पे एक ये वुडन ब्रिज भी बना हुआ था, जो काफ़ी शानदार लग रहा था देखने में, और हमने इस पर कुछ वॉकिंग भी की। बाद में हमें मालूम हुआ कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और यहाँ के जो ओनर है वो है मिस्टर श्रेयस करके नाम था उनका कुछ,
और फिर मिस्टर श्रेयस ने हमें बताया कि अगर हम यहाँ पर नहाना चाहते हैं, इस छोटे से वाटरफॉल का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें उनके रेस्टोरेंट से कुछ ख़रीदना होगा, यानी कि कुछ खाने का सामान ऑर्डर करना होगा, जो हमने किया भी। तो दोस्तों, आखिरकार हमें वो जगह मिल गई जहाँ पर नीचे वाले वाटरफॉल से कहीं ज़्यादा साफ पानी था और इसमें छोटे छोटे झरने बने हुए थे जहाँ पर लेट कर नहाया जा सकता था, और हम नहाए भी। तो इस आखिरी पड़ाव के साथ हमारी यात्रा समाप्त हुई दोस्तों। अगर आप जाते हैं ऋषिकेश तो इस जगह जाना ना भूलें, लेकिन ध्यान रहे बच्चों के साथ ना जाएं। थैंक यू।